गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो छठ पूजा तो बीत गया, जिसके यहाँ भी छठ पूजा हुआ है तो मतलब आई होप कि अच्छे से एकदम बिताओ। मेरे यहाँ तो नहीं होता, 2 साल से नहीं होता, उससे पहले होता था छठ पूजा। अभी देखते हैं अगले साल मम्मी करती या फिर नहीं। फिर किसी ने कमेंट नहीं किया चैलेंज का, मैंने बोला तो यार पिछले वाले में कोई तो मतलब कमेंट करके बता दो, कुछ नया नया चैलेंज लाया जाए। ऐसे मतलब घर क्या क्या और डेली डेली ब्लॉग बनाऊँ, नहीं अच्छा इस तरह अच्छा नहीं लगता मेरे को यार, सीरियसली। इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा कुछ बताओ कमेंट में, ताकि चैलेंज बनाए और उसमें मस्ती रहे, फनी रहे, तो मज़ा आता है ना। बट चलो कोई नहीं, दिन की शुरुआत हो चुकी है ब्लॉग से, तो पूरा दिन जरूर ब्लॉग बनाएंगे। देखते हैं घर पर क्या क्या कुछ काम है, तो उसका कुछ जो काम मज़ा आए, इंटरेस्टिंग लगे, उसका वीडियो बनाते हैं। बाल्टी ले लो, पैसे दे दो। जी हाँ गाइज, आपने सही सुना, आज से मेरा यही काम है, बाल्टी में जा रहा बेचने, और ये मेरी जॉब लग चुकी है, तो हो सकता है यूट्यूब पे वीडियोज बनाए। अब से मैं बाल्टी ले लो और पैसे दे दो काम है मेरा। जिसको भी बाल्टी चाहिए वो कॉन्टैक्ट करें, नंबर इन द डिस्क्रिप्शन। तो हाँ, दुख भरी न्यूज़ आप लोग के लिए और मेरे लिए भी, कि मैं यूट्यूब छोड़ना चाहता हूँ अब, क्योंकि मेरी जॉब लग चुकी है। तो अब मैं बाल्टी बेचूँगा आज से। नहीं गाइज, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये सब मजाक था। मतलब मैं सो रहा था घर पे, तो पापा का फ़ोन आया कि जाओ बाल्टी लेके खेत पे, ये जो धान है अपना, इसमें दवाई छिड़काएगा, क्योंकि जो है धान जैसे ना उजला उजला हो रहा है, पक नहीं रहा, उजला उजला हो रहा है, पता नहीं क्यों सबका हो रहा है। जैसे मेहिक्का धान, जिसको पता होगा धान के बारे में, मेहिक्का हो गया, नटिया हो गया, एंड कृष्णा, ऐसे सब, तो ऐसे ही उजला उजला हो रहा है, तो उसी लिहाज दवाई छिड़काएगा। तो उसके लिए दवाई में चाहता है पानी, तो हम और तो बगल में नदी दिख रही होगी, वहाँ पे हल्का हल्का पानी, तो ऐसे पानी लेकर दवाई में लेना है, और फिर ऐसे एक आएंगे लेबर, उनको देना है, तो अपना छिड़केंगे। तो बस उसी के लिए आया हूँ। बाकी देख सकते हो मौसम यार, क्या ही मस्त मेरे गांव का जो मौसम है, कितना मज़ा आता है देखने में। और ये रहे इधर, किधर 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 किधर, अरे किधर, ये रहो, यो भाई सूर्य भगवान। ये धूप भरी गर्मी में मैं खेतों पे अकेले, और ये लेबर पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा मोड़ा वीडियो ही बना लिया जाए। वो जो दिख रहा है बड़ा बड़ा धान वाला, वो है अपना खेत, उसी में दवाई छिड़काएगा, वही है महिक्का वाला। बाकी ये जो दिखा रहा था, ये तो नटिया, ये भी अपना ही है। और तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कब तक आते हैं लेबर, तब तक हम जरा मुआयना कर लें अपने धानों का, बहुत दिन हो गए नहीं गए। बाकी इतने बड़े बड़े घास है, घासों में कहीं कुछ मिल जाए तो मेरा तो भाई पहली फुर्सत में BMW उठा के भागेंगे, क्योंकि क्योंकि हमको बिच्छी से नहीं जितना सांप से डर लगता है। ये देखो ये देखो, ये ऐसे हो रहा है, मतलब इसमें क्या ही बोला जाए। ये देख रहे हो उजला उजला जो आ रहा है, इसी के लिए दवाई दिलाता है। और देखो मेरे हाथ में कैसे हो गए पीले पीले टाइप का, तो बस इसीलिए दवाई दिलाता है कि ये वो उजला उजला ना हो, और ये 10-20 दिन में सही हो जाएगा, तो फिर से अब इसका धड़ धड़ हार्वेस्टर से कटैया हो जाएगा। देखो यार पानी में कितने अच्छे से बादल दिख रहे हैं ना, ओ भाई देखो भाई, ये देखो मछलियाँ छोटी छोटी, ओ भाई साहब, अभी माँ कसम में भी एक बड़ा सा मछली देखा। और ये पानी में देखो बादल कैसे हो रहे हैं, जब मछलियाँ ऐसे जा रही है तो भाई मस्त लग रहा है देखने में। और आप लोग को भी दिखाना चाहते हैं ये नज़ारा, जो कि आप लोग देख नहीं सकते, हम अपनी माध्यम से आप लोग को दिखाएंगे। ये देखो ऐसे पानी आ रहा है इधर से, कहाँ गई, अरे ये देखो देखो देखो, बड़ी सी मछली दिख रही होगी, दिख रही होगी वहाँ पे, ओ भाई। चलो चलो, आज लग रहा है मछली डिनर होगा मेरा। चला घर पे मैं कटिया लेके आ नहीं, सबको मारने अकेले, अभी कोई नहीं जानता है कि इस खेत में मछली है। हम जा रहे हैं और मच्छरदानी लेकर आएंगे गाइस, और इसमें सबको फंसा के आज खाना है, लग रहा है मछली डिनर आज बनेगा। लो गाइस खेतों के अंदर मरा रहे हैं, धान इतना बड़ा बड़ा हो गया है कि वो लोग कुछ छोटे पड़ जा रहे हैं। देख लो दिख रहा है, वो जा रहे, दो लोग हैं उसमें, लेकिन दिख तो एक ही, नहीं दो लोग दिख रहे हैं। तो इतना दूर मराएगा पूरा धान, फिर और उधर और उस साइड जा रहा है, और उस साइड मतलब 2-3 साइड और मारना है। तो फटाफट काम करवाते हैं, फिर घर निकलते हैं। फट गई, इन लोग की वीडियो बना रहा था थोड़ा सा डालने के लिए, जैसे ही थोड़ा सा दूर बस गया लाट पे, भाई सर से जो गया आंखों के सामने से ना, धामिन था भाई, फट गया अपना पूरा का पूरा। जो उधर से भाग के किनारे पे आए रोड के साइड, वो भाई साहब अब तो लाटों के बीच जाने वाले हम नहीं, अब बस उधर जाना है रोड पर, सही देखेंगे कैसे कैसे हो रहा है, बस लाटों के बीच नहीं जाने वाले भाई, पूरी फट गई। तो गाइस खेत पर से तो घर आ गए, लेकिन हमको आ रही है जोर से,
अभी बज रहा है 5, पता नहीं शाम में 5 बजे क्यों नींद आ रहा है। तो हम जा रहे हैं सोने क्योंकि 8 बजे से भी स्ट्रीम करना है। रही दीदी और ये कर रही है अपना एक्सरसाइज। हेलो, कुछ आप कहना चाहती हैं? और कुछ कहना चाहती हैं किसी के बारे में? मम्मी भी बोल रही है हाय गाइस। क्या मम्मी? मम्मी बोल रही है हाय गाइस, हेलो गाइस, हाउ आर यू गाइस। अरे तुम्हारे चलो मैं चलता सोने। तो गाइस हम चलते हैं सोने, सबके अपने काम काम में बिजी है। तो आज तो ब्लॉग में कुछ मतलब ज़्यादा खास नहीं हो पाया, बस खेत उत का दिखाया और ज़्यादातर तो हम ही अकेले थे। चलो यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप कि ब्लॉग में ज़्यादा कुछ तो नहीं, मेरे को भी पता है, बट थोड़ा बड़ा भी मज़ा आया होगा तो नहीं भी मज़ा आया होगा तो मछली देख के मन किया होगा खाने का। तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते एक और नए के ब्लॉग के साथ, तब तक यार कमेंट कर दो कोई अच्छा सा कोई चैलेंज या फिर कुछ 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 नया ब्लॉग में करने के लिए, ताकि ऐसे घर का ब्लॉग बनाते मज़ा नहीं आ रहा। कितना बार बोलूँ, तो कुछ अच्छा सा ब्लॉग मतलब कुछ अच्छा सा कुछ कुछ बोल दो, कमेंट कर दो कुछ अच्छा सा ब्लॉग बनाने के लिए। और प्ले लिस्ट में सबका ऐड कर दिया हूँ, ब्लॉग अलग, वीडियो अलग, शॉर्ट्स अलग, लाइव स्ट्रीम अलग, तो जिसको जो मन वो सब देख लेना। बाकी और कुछ भी धीरे धीरे ऐड कर देंगे। तो चलो गाइस बाय 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 बाय, बंद करते हैं, बाय बाय।